अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना ममान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज अहमद साहब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पे बहुत से सवाल राजा साहब से पूछे जा रहे होते हैं और हम आज उन्हीं सवाल के जवाब इस वीडियो में देंगे। तो राजा साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि बी फॉर यू के वो लीडर जिन्होंने बी फॉर यू से बहुत से माशाल्लाह करोड़ों में पैसे कमाए और बहुत सी प्रॉपर्टियां बनाई, अब उनकी इन्वेस्टमेंट जो है अदर्स जो है वो जगहों पे है। तो आप जैसे कि अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि हम कैश बैक के थ्रू इन फ्यूचर बी फॉर यू के मुतासरीन को अकोमोडेट करेंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं कैश बैक में इन्वेस्टमेंट की कि अगर वो अपना अखलाकी फ़र्ज अदा करते अपनी टीमों के लिए जिनको जाके आगे हम कैश बैक में अकोमोडेट करने वाले हैं, तो उनका उनका फ़र्ज नहीं था कि वो अपने एक बड़ा हिस्सा कैश बैक में इन्वेस्ट करते? इसमें आप क्या कहेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक वाकई बर्निंग क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने जिक्र किया था, और मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था और उसकी बहुत सारी रीजंस थी। बहरहाल मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं और काबिल एहतराम रहेंगे। गुजारिश इतने करना चाहूँगा कि वाक़ियातन चूंकि हर शख्स यही पूछ रहा है कि जब अब अंधे को भी समझ आ रही है कि कैशवर्थ ही वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से इंशाल्लाह लेटर और सूनर अल्लाह ने चाहा तो चश्मा यहीं से निकलेगा और लोगों को यहाँ से अकोमोडेट किया जाएगा। चूंकि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें नहीं पता कि नैब कोर्ट में कितना अरसा केस चलता है, तीन चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, तीन ऑनरेबल जज साहब चेंज हो चुके हैं, बड़ी चेंजेस आ चुकी है, और जो मुल्की हालात हुआ क्या था वो भी आपके सामने ही है ना। तो ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है कि वो तमाम अहबाब जो बेशक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे लेकिन अल्लाह का उनके ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ और आप लोगों की वजह से ही वो अगर अरबों पति नहीं तो कम अज़ कम करोड़पति वो ज़रूर बने। माशाल्लाह आज उनके एसेट्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, किसी ने प्लाजा ख़रीद लिया, किसी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड ख़रीद ली, किसी ने कुछ और कर लिया। तो जो आप पूछ रहे हैं कि जी क्या उन्होंने मेरे साथ दोस्ती का जिसे कहते हैं भरम रखते हुए या अपनी टीमों के लिए ही कि ओके भाई यहाँ से ही अगर लोगों ने एडजस्ट होना है तो कैशवर जितनी स्ट्रांग होगी उतने मैक्सिमम चांसेस बढ़ेंगे लोगों के अकोमोडेट होने के। तो आपका सवाल वैलिड है कि क्या उन लोगों ने कैशवर्थ में भी इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब यह है कि उन्होंने नहीं की। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने नहीं की तो क्या किया जा सकता है। तो मैं बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक जवाब आपको देना चाहूँगा। वो कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उनका पैसा उनकी मर्जी, वो जिधर मर्जी इन्वेस्ट करें, ये उनकी अपनी चॉइस है ना। लेकिन काश के अगर वो आज भी उनको ये ख्याल आ जाए कि जहां उन्होंने माशाल्लाह पता नहीं कहां कहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर लें तो कम से कम कल को ये कहने के काबिल तो होंगे ना कि जी हमारा भी कोई रोल था, लेकिन वो भी बहरहाल खामोश तमाशाई है और हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जी साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि साहब वो दोस्त जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और क्योंकि कैश वर्ड को स्टार्ट हुए 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था माशाल्लाह, और अब है 3 अप्रैल ना, 3rd अप्रैल है, तो तकरीबन 3 महीने कंप्लीट हो चुके और 14 महीने स्टार्ट है, तो खुद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और दूसरों को भी रोका कि आप जो है वो कैश वर्ड ज्वाइन ना करें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ये चीज तो वाकई एक तकलीफ देह है कि वो अहबाब के जिन्होंने हमेशा मुझसे आस और उम्मीद रखी कि राजा रियाज जो है वो यकीनन इन लोगों के लिए कुछ करेगा, वो पहले भी इससे पहले भी डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे थे और वो सिर्फ डिफरेंट कंपनीज में काम नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो क्वेश्चंस में जो लोगों ने इंडिकेट किया बताया है, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, उनके वॉइस नोट्स भेजे हैं, उनकी सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि या तो वो अदर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने क्रिप्टो के नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट ली हुई है, कई ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्रेडिंग के नाम पे ली हुई है, यानी कि कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी हुई। आप जो ट्रेडर हजरात जो बने हुए हैं, अब उनकी भी अगर असलियत हम देखें तो जो सत्यानाश से उन्होंने मारा है और एंड रिजल्ट जो वो करते हैं वो क्या कहते हैं कि जी बस वो पैसे दिए थे और हमारे अकाउंट वॉश हो गए। अच्छा, अब ये बेसिकली वॉश नहीं होते हैं, ये वो क्या कहते हैं
डब्बा ट्रेडर्स होते हैं और ये जस्ट एक बुक कीपिंग होती है, वॉश वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये एक तरीका कार होता है, एक तरीका वारदात होता है, और वो तरीका वारदात आज भी उन लोगों का जारी है। और जो ये काम नहीं कर रहे वो अदर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वो अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी टीमें आज भी उनकी तरफ देख रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहे। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जो अपने मुंह से मानते हैं कि जी ये फलां प्रोजेक्ट में हम हैं राज साहब, ये बस कोई 2-1 महीने कमाई देगा ने, ये प्रोजेक्ट कोई 4-1 महीने का है तो कैश वर तो कहीं नहीं जा रही, हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक? बात वही है, अगर कैश वर्थ फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है तो अकोमोडेट उन्हीं की ही टीमों ने होना है, और अगर वो नहीं अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करते तो फिर ऑब्वियसली लेटर और सूनर उनकी जो टीमें हैं वो उनसे ये पूछने में हक बजानब होगी कि जब फ्री डॉलर मिल रहे थे आपने उस वक्त मुखालफत की, जब कंपनी चल गई आपने उस वक्त मुखालफत की, जब कंपनी ग्रो कर रही थी तो आप अदर कंपनीज में थे और हम बिल्कुल लावारिस थे, जैसा कि पास्ट में हुआ ना, जो लोग कहते कि जी हमारा तो वाली वारिस ही कोई नहीं है, हमारी तो कॉल पिक करने वाले ही कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारे तो लीडर हैं ही नहीं, हम किधर जाएं, तो ये उनके लिए बहरहाल एक सवालिया निशान है। राज साहब आपसे तीसरा सवाल ये है कि ऐसे लीडर जो ऐसे लोग जो कैश वर्क में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे जो है वो डॉलर्स भी अर्न कर रहे हैं, तो वो अपनी शनाख्त क्यों छुपा रहे हैं, वो क्यों सामने नहीं आते और लोगों को क्यों नहीं गाइड करते कि हम कैश वर्क में हैं और हम इतना पैसा जो है वो कमा रहे हैं, इतने प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका ये फर्ज नहीं है कि वो दूसरे लोगों को भी गाइड करें, उन्हें बताएं ताकि उनका भी फायदा हो, उनका भी भला हो। देखें, मैंने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में भी एक गुजारिश की थी कि हमारे पास ऐसे, चूंकि लोगों ने पूछा था ना कि एक बड़े लीडर्स किधर है, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि सारे ही एक जैसे हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हजरात हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हमारे नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करने, इवन कि हमारा विदड्रॉल जो है वो आपने डिस्क्लोज नहीं करना, हमारा अगर कोई रिवॉर्ड बनता है तो वो आपने डिस्क्लोज नहीं करना। तो ये मेरे ऊपर एक अखलाकी मेरी बाइंडिंग बनती है कि एक शख्स अगर कह रहा है तो मैं उसका सीक्रेट जो है वो उसको मेंटेन रखूं, क्योंकि ये उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। लेकिन ये सवाल वाकई एक वैलिड है कि आखिर कब तक छुपते रहेंगे। रीज़न के अगर अदर कंपनीज में वो लोग काम करें, माशाल्लाह वो वहाँ से भी कमा रहे हैं, कमा वो यहाँ से भी रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो अदर कंपनीज को तो वो शेयर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन कैश वर्थ में वो जिसे कहते हैं ना वो छुपते छुपाते हुए वो काम कर रहे हैं। अगर वो लोग आज भी अगर जिसे कहते हैं अपने आप को ओपन करते हैं तो एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना कि उसका एक इम्पैक्ट जाता है मार्केट में। लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी है, मेरी उनके साथ कमिटमेंट है, मैं उनके लिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। अब सिर्फ इतनी बात आप जहन में रख लें कि हमारे पास इस वक्त बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिनकी एवरेज जो अर्निंग है वो वीकली ना ना करते हुए 300 से लेके $500 है। अब अगर वीकली $300 से $500 अगर अर्निंग बनती है तो इसका मतलब ये कि 1200 से लेके $2000 ये कोई छोटी मोटी इनकम नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना इस स्टेज पे, और नॉर्मली मैं एक बात करता हूँ ना, चले मैं कहता हूँ जी पाकिस्तानी रुपीस में हम बात कर लेते हैं, अगर एक शख्स जिसका चूल्हा बुझा हुआ था और अगर उसने सिर्फ 1,00,000 रुपए भी मंथली अर्न करना शुरू कर दिया, फ्री के उसने डॉलर लिए थे, नेटवर्क उसका डेवलप हो रहा है, आज वो अर्निंग कर रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या है, नहीं जी अभी किसी को बताना नहीं है। अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, देखिए रमजान का महीना है, वैसे भी रहमतों और बरकतों का महीना है। पहली कैटेगरी जो आपने क्वेश्चन किया कि वो बड़े लीडर जो जिन पे अल्लाह का करम है लेकिन उन्होंने अपनी ही टीमों से जो है वो बाकी जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अभी भी वक्त है, कम से कम वो आए अपना हिस्सा डालें, अपनी टीमों को कहने के काबिल हों कि भाई हमने नेटवर्किंग छोड़ दी लेकिन हमारे पास चूंकि इन्वेस्टमेंट थी, हमने कैश वर्थ में भी अपने अकाउंट्स लगाए हैं और हमने अपनी हैसियत के हिसाब से जिसे कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। वो नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल जो लोग अहबाब नहीं कर रहे,
सेकंड कैटेगरी जो आपने बताई कि जो लोग अदर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और वही क्रिप्टो फॉरेक्स अला बला जो है वो पैसे अपने जो है वो लोगों के पैसे अपने फायदे अपने मुफाद के लिए जो है, देखिए 3 महीने गुजर गए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग लगाई, काम जो है वो किसी और जगह पे हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी टीमों का भला कर रहे हैं, ये उनके सोचने की बात है, ये उन्होंने ईद आने वाली है ये उन्होंने सोचना है। अच्छा फिर जो लोग छुप छुपा के काम करें ये भी उनके सोचने का है। बाकी देखे जो मेरे बस में था मैंने कर दिया। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा तमाम उन अहबाब से कि जो मुझसे ये सवालात करते हैं, रमजान का महीना है, सहरी के टाइम, अफतारी के टाइम, नमाज के टाइम, ऐसे लोगों के लिए दुआ जरूर करें कि वो अहबाब के जिन्होंने जब कंपनी स्टार्ट हुई तो लोगों को मना किया कि फ्री डॉलर भी नहीं लेने, जब कंपनी स्टार्ट हुई तो फ्री डॉलर लेने से मना किया। अच्छा जब कंपनी चलना शुरू होगी फिर मना किया, फिर मना किया, फिर मना किया, इवन के आज भी मना कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दिस कि जो लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऊपर रब ताला भी तो देख ही रहा है ना। बाकी जो मेरे बस में है वो मैं पहले भी कर रहा हूं, मैं इंशाल्लाह ऑनवर्ड भी करता रहूंगा, लेकिन ये तमाम सवालात वैलिड हैं। और मैंने जिस तरीके से लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं चूंकि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब उनके सारे वो किस्से कहानियां सारे एविडेंसेस मेरे सामने आए और जो अहबाब अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, मैं तो उनके वॉइस नोट, उनके टेक्स्ट, उनकी हर चीज जो है वो मैं पब्लिक कर दूंगा। मैं उनके नाम भी बता दूंगा कि कौन से लोग हैं जो इन लोगों की वजह से करोड़पति बने, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका सारा कुछ है, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको और दे। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि हम जिसे कहते हैं कि काम नहीं करेंगे ना किसी दूसरे को काम करने देंगे तो मेरी मजबूरी होगी, रीजन के मैं कश्तियां जला के यहां पे आया हूं, मुझे कंपनी को देखना है कि इस कंपनी को किस तरीके से ग्रो करना है। जो फिर इस कंपनी का दुश्मन होगा तो वो कोई भी शख्स है तो वो फिर मेरा दोस्त कम अज कम नहीं हो सकता, वो इन मुतासरीन का दोस्त वो कभी भी नहीं हो सकता है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, ये जहन में रखिएगा, ये वही राजा रियाज है कि जब सारी दुनिया ये कहती थी कि सैफुर्रहमान नियाज़ी जेल में सड़ेगा गलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बाहर आ ही नहीं सकता, तो एक मैं ही होता था कि इंतज़ार करें, वो किसी भी टाइम हमारे दरमियान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान आया। वही राजा रियाज आज आपसे एक और बात कर रहा है, ये रमज़ानुल मुबारक है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं कहता हूँ आने वाला रमज़ान इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ये जितने मुतासरीन हैं, चूंकि मुझे नहीं पता कि नैब कोर्ट में वहां पे क्या होता है, कुछ भी वहां पे ना हुआ, लेकिन जो कैश वर्थ का हिस्सा है इंशाल्लाह उस वक्त तक जो है वो पता नहीं कितने लोग जो है वो कंपनसेट हो चुके होंगे और उनके जो लगा हुआ जो पैसा था वो उनको वापस मिल चुका होगा, वो उसके ऊपर प्रॉफिट्स ले रहे होंगे, वो सारी खोई हुई खुशियां जो है मैक्सिमम समझ ले अगले रमजान तक। और इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, जो अहबाब कहते हैं कि जी ओके जब टाइम होगा हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, हम उस टाइम सारा कुछ कर लेंगे, मैंने पहले भी कहा था जिसने पहली अजान पे लबैक कहा था उसको सबसे पहले मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फजर के टाइम में जिन्होंने ज्वाइन किया तो पहली प्रायोरिटी वो होंगे, जो जोहर के टाइम आए वो फिर जोहर के टाइम में लेंगे, जो असर के टाइम है वो फिर असर के टाइम में लेंगे, फिर मगरिब वाले मगरिब के टाइम पे लेंगे, ईशा वाले ईशा के टाइम पे लेंगे, और फाइनली फिर तहज्जुद वाले जो है ना वो तहज्जुद में ही आधी रात के बाद ही जाके लेंगे। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमने पहले तो ज्वाइन नहीं किया था हम अब आ गए चूंकि हम तो हिस्सा हैं लिहाजा हमें भी अकोमोडेट किया जाए और हमारी टीमों को अकोमोडेट किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले आया सबसे पहले उसको मिलेगा, चाहे उसने $50 से ज्वाइन किया है, कोई ऐसा इशू नहीं है, और वो चाहे इन्वेस्टर है तो चाहे वो नेटवर्कर है, मैक्सिमम इंशाल्लाह हम ये जो मलबा है इसको इंशाल्लाह आने वाले रमजान तक 100% क्लियर कर चुके होंगे। कैश वर्थ का हिस्सा बनने वाले जो अहबाब होंगे इंशाल्लाह उनकी वो खोई हुई खुशियां भी वापस आ जाएंगी और उनके जो लॉसेज हैं वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे, और जो लोगों के बुझे हुए चूल्हे हैं वो भी इंशाल्लाह दोबारा जल जाएंगे।
और मजीद सवालात के जवाब देंगे आपको। इसी तरह सवाल करते रहिएगा, अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।